में कई मुद्दे हैं जिसमें एक मुद्दा यह है कि 13 पॉइंट रोस्टर जो कि एमएचआरडी लेके आई है, हम चाह रहे हैं 13 पॉइंट रोस्टर को वापस ले जाएं और वापस उन्हें जो 200 पॉइंट उसको लाया जाए। और दूसरा कहते हैं अभी यहाँ पर अभी दो हफ्ते पहले सरकार द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय लिया गया और उसमें कहते हैं 20 लाख आदिवासी परिवारों को सीधा उनको विस्थापित किया जा रहा है और उनको जुलाई तक का नोटिस दिया गया है वो जमीन खाली करो। और इसमें 20 लाख परिवार है उसमें कम से कम 1.5 करोड़ व्यक्ति हैं जो डायरेक्ट जमीन से बेदखली होंगे। आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो भारत पाकिस्तान के विभाजन में 70 से 80 लाख लोग विस्थापित हुए, लेकिन इसके बाद वो तो बात है देश का बंटवारा हो रहा था, लेकिन इस समय तो देश के व्यक्ति जो देश के मूल निवासी हैं उनको ही उनकी जमीन से विस्थापित किया जा रहा है, उसके विरोध में भी किया जा रहा है। इसके अलावा देश के अंदर और भी अब मुद्दे हैं। सर एक छोटा सा सवाल है, जैसे बीजेपी सरकार आदिवासियों को हटाने का काफ़ी प्रयास कर रही है तो इसमें बीजेपी सरकार को क्या मिल रहा है? सर ये बीजेपी सरकार जो कि पुणे से चलती है, नागपुर से चलती है, वो मनुवादी व्यवस्था उनके माइंड में भरी पड़ी है। वो उनका एक एजेंडा है, उनका सिंपल एजेंडा है कि मनुवादी व्यवस्था को लेकर आना है, मनुस्मृति को लागू करना है। वो अपने काम के प्रति समझता है, उनके जो यहाँ पर SST OBC और माइनॉरिटीज हैं उनके 85% जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनके अधिकारों से कोई सरोकार नहीं है। वो चाहते हैं चंद पूंजीपति और कुछ वर्ग कोई फायदा मिले, तो उनका जो मेन एजेंडा है वो क्या है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों को फायदा पहुँचाना ये उनका एजेंडा है जी। अगर आदिवासियों को सर ये सरकार हटा देगी तो आदिवासी कहाँ जाएंगे? यही तो मैं चाह रहा हूँ कि जो आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं वो 1.5 करोड़ परिवार कहाँ जाएंगे? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार जब 2014 में आती है ये बात करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ तो सबका ले लेती है लेकिन सबको विनाश कर देती है। कुछ अडानी अंबानी परिवार को छोड़कर, जो पूंजीपति को छोड़कर उन्होंने खासकर जो बिजनेस क्लास है उनको ही बर्बाद कर दिया है, उन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। उनका जो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो उनको भी है कि देश के मूल निवासी कहाँ जाएंगे, जमीन उनकी जंगल उनका। तो मैं तो चाह रहा हूँ जो मूल जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था इनको एक खुद इनको जाना चाहिए, देश छोड़ना चाहिए। तो जिस तरीके से सर मोदी जी का एक नारा था कि सबका विकास सबका साथ सबका विकास, उस नारे को सर क्या भूल गए क्या बीजेपी सरकार वाले? ये देखो क्या पूरी तरह भूल चुकी है, ले लिया इन्होंने सबका साथ लेकिन अडानी और अंबानी का विकास मेन एजेंडा इनका, क्या अडानी अंबानी विकास है, टाटा बिरला विकास है, उसी के एजेंडे पर ही मेन काम लेकर चल रहे हैं। और जो कि हम यहाँ पर जो अपना अंबेडकरवादी जो समाज है आज वो जाग गया है, अपने अधिकारों के लिए रोड पर आ गए। और ये हमारी लड़ाई पिछले कई सालों से महीनों से दिनों से चल रही है, हम रोड पर आ रहे हैं और हम जब तक रोड पर रहेंगे जब तक की व्यवस्था झुकेगी ये झुकेगी नहीं, और हम अपना अंबेडकर की व्यवस्था लाएंगे जिसके अंदर सबको समानता का अधिकार मिले। हम चाहते हैं सबको अधिकार मिले, देश के अंदर जो भी व्यक्ति है चाहे वो किसी भी वर्ग से हो सबको समान अधिकार मिले ताकि वो अपने आगे बढ़ने के उनके अवसर मिल सके।